हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चाहर, वेलकमिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक अकेडमी। ओके, तो आज के लेक्चर में इस बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर को ही कनेक्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द वन प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज द सॉरी व्हिच इज लीनियर सिस्टम। वी हैव फोर ऑप्शंस इन व्हिच वी हैव टू, अपने को देखना है कि कौन सा लीनियर सिस्टम है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट वन में लीनियर के लिए क्या होता है, होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल शुड बी सेटिस्फाइड बाय द लीनियर सिस्टम। बट इन दिस सिस्टम देयर दिस पोर्शन, इफ आई एम सेइंग दैट लेट्स इट बी, इट मे बी लाइक दिस ax प्लस b फॉर्मेट, एंड ax प्लस b फॉर्मेट वाला जो भी फंक्शन क्रिएट होता है वो लीनियर नहीं बन पाता है, ये नॉन लीनियर सिस्टम होता है। एज प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक एग्जाम्पल लेकर सोल्व किया था, सो दिस इज नॉट ए लीनियर सिस्टम। सेकेंड वन, ये एज ए एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, यानी कि जो स्क्वायरिंग टर्म वाले जो भी फैक्टर बन रहे हैं उनको शो कर रहा है। सो इट ऑब्वियस है, ये बाय ग्राफ भी अपन देख सकते हैं कि ये लीनियर सिस्टम नहीं हो। डी ऑप्शन में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ रहा है, इस डिसकंटिन्यूटी पॉइंट की वजह से ये सिस्टम बिकम नॉन लीनियर। एंड द वन ओनली द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज ओनली द वाई इक्वल टू एक्स टाइप। So, y equal to x will be showing superposition principle को भी follow करता है और homogeneity principle को भी follow करता है, that's why this is a correct option for linearity, that is it is a linear system. Okay, in today's lecture we are going to start with the LTI system, linear time invariant, that is a system which is linear as well as time invariant. Linear के लिए homogeneity है, superposition, और time invariant के लिए क्या हो गया, यानी कि if I am introducing a delay in the input, then the same delay will be introduced in output also or response. Let if x of t is my input signal, if I am in x of t is giving the input, then with respect to x of t, response is y of t. Similar and for LTI system, I am mentioning here LTI system only. Okay, now if del of n, that is unit impulse input signal दिया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में जो आउटपुट आता है और जो रेस्पॉन्स आता है उसे बोलते हैं यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके, तो ये इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा। अब अगर मैं यहां पर जो ये इनपुट सिग्नल del of n है, अगर इसमें del of n माइनस वन कर दू, यानी कि मैंने इसको del of n माइनस वन, यानी कि मैंने यूनिट से डिले इनपुट किया है, डिले इंट्रोड्यूस किया, अगर इनपुट सिग्नल में डिले इंट्रोड्यूस होता है तो सेम डिले शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन आउटपुट सिग्नल, बिकॉज माय सिस्टम इज ए एलटीआई सिस्टम, यानी कि टाइम वेरिएंट के लिए अगर इनपुट में डिले है तो आउटपुट में डिले होना चाहिए, यानी कि अगर डेल ऑफ एन के लिए एच ऑफ एन माई रेस्पॉन्स, देन डेल ऑफ एन माइनस के रेस्पेक्ट में एच ऑफ एन माइनस वन विल बी द माई रेस्पॉन्स। सिमिलरली लेट इफ आई मल्टीप्लाई विद ए स्केलर क्वांटिटी डेल ऑफ एन, then the same scalar should be multiplied in the response also, because due to linearity, a into del of n minus 1, then a into h of n minus 1. Now from here, if both the equation first and second if added, then a times of del of n plus a times of del of n minus 1, here I am taking on scalar same, you may take it differ also. If I'm saying first one is a, then you can take it b also. So a plus a del of n plus b times of del of n minus 1 can be written like that, a times of h of n plus b times of h of n minus 1. Why? Because superposition should principle should be valid, because my system is a linear also. तो टाइम इनवेरिएंट की वजह से डिले इनपुट में इंट्रोड्यूस हो रहा था, आउटपुट में भी डिले इंट्रोड्यूस होगा, और अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आउटपुट भी सेम स्केलर से मल्टीप्लाई होना चाहिए ड्यू टू लीनियरिटी, और एडिशन क्या किसको, सुपरपोजिशन से। सो इफ आई एम सेइंग दैट दिस सिग्नल इज एफ ऑफ एन, और इसको जो बोल ये है मेरा टोटल इम्पल्स, अगर मैं रेस्पॉन्स की बात करूं इम्पल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ के बोल दू, या फिर तो ये जो आउटपुट आएगा वाई ऑफ एन इस एफ ऑफ एन के लिए इज ए कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एन कन्वोल्व विद एच ऑफ एन। तो कॉन्वोल्यूशन इज बेसिकली द इनपुट आउटपुट का रेस्पॉन्स का जो एनालिसिस किया जाता है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वोल्यूशन किया जाता है। तो कॉन्वोल्यूशन इज द एनालिसिस ऑफ इनपुट आउटपुट रेस्पॉन्स का। ओके, नाउ फ्रॉम दिस ओनली वाई ऑफ एन कैन बी रिटन लाइक दैट
दैट इज समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के। अगर आप इनका जो एडिशन करके मैंने जो दो सिग्नल्स का डिफाइन किया है अगर उसको आपको एन वेरिएबल्स के लिए इलोबरेट करोगे देन द रिजल्टेंट सिग्नल विल बी लाइक दिस एंड दिस इज द कन्वोल्यूशन फॉर्मूला फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। आई एम यूजिंग हियर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, सेम प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। सो वाई ऑफ एन, अगर एफ ऑफ एन ऑल्सो एडिशन ऑफ सम टू सिग्नल्स, एन सिग्नल्स भी हो सकते हैं, तो एफ ऑफ एन को इम्पल्स रेस्पॉन्स की या फिर इम्पल्स यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स की टर्म्स में, अगर सिग्नल की टर्म्स में लिखना चाहूं तो एफ ऑफ एन कैन बी रिटन लाइक दैट ओनली, समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ के, और इफ आई एम सेइंग एन तो एफ ऑफ एन इंटू डेल ऑफ एन माइनस के। ओके, तो ये एफ ऑफ एन कैन बी रिटन लाइक दिस ओनली इफ आई एम सेइंग दैट। तो ये जो सिग्नल ऐसे लिखा गया है उसी का ये कॉन्वोल्यूशन अप्रोच है, और कॉन्वोल्यूशन का मैंने डेफिनेशन बता ही दिया कि कॉन्वोल्यूशन बेसिकली इज ए एनालिसिस ऑफ इनपुट आउटपुट रेस्पॉन्स। सिमिलरली वी कैन कंक्लूड इट फॉर ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इफ दैट इज y ऑफ t कैन बी रिटन एज ए f ऑफ t इज माई इनपुट सिग्नल देन कन्वोल्व विद h ऑफ t, h ऑफ t क्या होता है रेस्पॉन्स इनपुट सिस्टम रेस्पॉन्स, this is the and this process can be written at integration minus infinity to plus infinity f of tau into h of t minus tau into d tau. So this is regarding the convolution of a system. कन्वोल्यूशन क्या होता है, कन्वोल्यूशन किस लिए पर्पस से किया जाता है। ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक दैट इफ माय एनी इनपुट सिग्नल इज कन्वोल्व विद द इंपल्स रेस्पॉन्स, इंपल्स सिग्नल से किसी भी सिग्नल को कन्वोल्व करूंगा तो उसका आउटपुट जो सिग्नल इनपुट दिया था ना वो इटसेल्फ आएगा, यानी कि एफ ऑफ एन कन्वोल्व विद द डेल ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन। टुडे आज मैं थोड़ा नटशेल में बात करेंगे क्योंकि डीएमआरसी को फोकस करते हुए बात करते हैं तो सिग्नल सिस्टम से इतने मेजोरिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। सो आज मैं केवल क्विक रिवीजन टाइप पूरा एलटीआई सिस्टम को डिस्कस करूंगा जल्दी जल्दी जिससे कि अपन टाइम को वेस्ट ना करें। ओके, लेट्स बिगिन विद इट। तो एफ ऑफ एन कन्वोल्व विद सिग्नली अगर कुछ डिले इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मैंने इंपल्स डिले दिया गया है, कुछ इनपुट सिग्नल में भी डिले कर किया गया और मैं जो इनपुट इंपल्स रेस्पॉन्स जो ले रहा हूं मैं सिस्टम रेस्पॉन्स है वो यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स के फॉर्म में दिया और उसमें भी कुछ डिले आ गया, देन द रिजल्टेंट सिग्नल आउटपुट विल बी एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एन माइनस एन टू, दैट इज डिले in the impulse response and delay it and one delay in a input signal. So this is known as time shifting property of the LTI system. One more thing I want to tell you that कि अगर देखिए बात की करते हैं कि यहाँ पर मेरा जो input signal था x of n और whatever be the f of n if input signal y of n is the response of that input signal regarding that LTI system is a h of n. My signal is LTI system. If there is a ये discrete LTI system की बात कर रहा हूँ क्योंकि n n की terms में आ रहे हैं, तो अगर number of samples are l in the f of n, यानी कि अगर number of signals जो samples हैं f of n में वो l हैं और number of samples in h of n is k, then the total number of samples in output response will be l plus k minus 1. यानी कि अगर f of n something like this ऐसे लिखा होगा 1 2 3 और h ऑफ n अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 0 1 2 ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए, अगर l की बात करूं तो f ऑफ n के लिए 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको माइनस 1 भी पुट कर देता हूं तो ये माइनस 1 0 1 2 है और k इक्वल टू 4 हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन द y ऑफ n विल बी 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 6 ओनली, 3 प्लस 4 7 माइनस 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा उसमें आएंगे 6 नंबर ऑफ सैंपल्स आएंगे। और y ऑफ n को कैसे लिखेंगे, f ऑफ n कन्वोल्व विद ये जो साइन में जो बना हो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है कन्वोल्यूशन का साइन है, कन्वोल्व विद h ऑफ n, तो जो आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो जाएंगे l प्लस k माइनस 1। वन मोर थिंग, एक और प्रॉपर्टी मैं यहां से बताना चाह रहा हूं कि दैट इज
अगर इनका जो सम ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स है आउटपुट रेस्पॉन्स के टोटल जितने सिक्स जैसे एल थ्री है के फोर है उसके अकॉर्डिंग सिक्स आएंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन आउटपुट रेस्पॉन्स, इफ इन छह आउटपुट सैंपल्स हैं इनका सम करके लिखूंगा ना तो वो क्या हो जाएगा इंडिविजुअल सम्स ऑफ द इनपुट सिग्नल प्लस, यानी कि अगर इन सिक्स का जो समेशन ऑफ वाई ऑफ एन इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एन मल्टीप्लाइड विद द समेशन ऑफ एच ऑफ एन, यानी कि इंडिविजुअल सम जो उनके जो इंडिविजुअल सैंपल्स हैं उनका सम का प्रोडक्ट जो लेने पर आउटपुट आएगा वो टोटल सम आए टोटल नंबर ऑफ टोटल सम आएगा इन सैंपल्स को ऐड करने के बाद में आउटपुट रेस्पॉन्स में। ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर मोर बेनिफिट मे बी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लिया ऐसी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन क्या आउटपुट रहेगा, ये एक अच्छा प्रॉपर्टी थी कि एल प्लस के माइनस वन होंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन आउटपुट रेस्पॉन्स। दिस इज रिगार्डिंग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एलटीआई सिस्टम की बात कर रहा हूं। अब एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर देखो टू रेक्टेंगुलर पल्सेज हैं, ओके वन रेक्टेंगुलर पल्स एंड अनदर रेक्टेंगुलर पल्स ए बी और सी डी, इफ आई एम सेइंग दैट द टाइम पीरियड ऑफ वन बोथ द रेक्टेंगुलर पल्सेज इज डिफरेंट, अगर इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन किया जाएगा टू रेक्टेंगुलर पल्सेज व्हेन कन्वोल्व और इफ द टाइम पीरियड ऑफ द बोथ द रेक्टेंगुलर पल्सेज इज डिफरेंट यानी कि T1 इज नॉट इक्वल टू T2 देन द रिजल्टेंट कन्वोल्व सिग्नल विल बी ए ट्रेपेजॉइडल, ये जो ट्रेपेजॉइडल सिग्नल आएगा ना आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा, अगर ये एक सिग्नल था ये दो रेक्टेंगुलर पल्स का जब भी मैं कन्वोल्यूशन करूंगा तो आउटपुट रिजल्टेंट सिग्नल विल बी ए ट्रेपेजॉइडल सिग्नल और जिसका जहां से ये स्टार्ट हो जाएगा ये आ जाएगा ए प्लस बी से लास्ट वाला सॉरी नॉट ए प्लस बी ए प्लस सी से लास्ट में बी प्लस डी और दो टाइम पीरियड इज टोटल सम ऑफ टी जो रिजल्टेंट सिग्नल का टाइम पीरियड आएगा वो आएगा टी वन प्लस टी टू दोनों जो टाइम पीरियड्स के सम के बराबर और इसका जो मैक्सिमम पीक बनेगा अगर इसका एरिया अगर मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड ए वन है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए टू है देन ए वन इंटू ए टू एंड इंटू इन दोनों जो टाइम पीरियड्स हैं टी वन टी टू लेट आई एम कंसिडरिंग दैट टी टू इज ग्रेटर देन टी वन जो छोटा टाइम पीरियड आएगा वो उसके मल्टीपल में आएगा ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी यहां पर। ठीक है तो यहां तक ये आ जाएगा ये जो टाइम पीरियड आएगा ये स्मॉल वाला टाइम पीरियड आएगा फिर यहां से यहां तक की बात करेंगे तो ये आ जाएगा T2 का टाइम पीरियड आ जाएगा और यहां अगेन T1 आ जाएगा तो ये T2 आ गया ये T1 आ गया टोटल टाइम पीरियड विल बी T2 प्लस T1। नाउ वन मोर कंडीशन इज दैट लेट T1 इक्वल टू T2 दे ये क्या क्या कह रहा है कि दोनों रेक्टेंगुलर पल्सेज हैं इनका जो टाइम पीरियड बराबर हो गया अगर टू रेक्टेंगुलर पल्सेज आर कन्वर्ट एंड हुज टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड आर इक्वल्स देन द रिजल्टेंट सिग्नल कन्वोल्यूशन रिजल्ट विल बी द ए ट्रायंगुलर पल्स तो इसका जो रिजल्टेंट सिग्नल का आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा ए प्लस सी और बी प्लस डी यानी कि रिजल्टेंट सिग्नल का आउटपुट क्या रहेगा तो अभी तो जो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए तो ट्रेपेजॉइडल रहा था अब क्या रहेगा ट्रायंगुलर पल्स रहेगा लेकिन अगेन द टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड रिजल्टेंट टाइम पीरियड विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स बट इंडिविजुअल टाइम पीरियड बराबर आ जाएंगे तो ये टी इक्वल टू टू टी हो जाएगा और यहां पर जो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी ए वन इंटू ए टू इंटू टी वन लेकिन यहां पर तो स्मॉलर कोई सा नहीं है दोनों बराबर आ गए तो इसलिए मैंने एक को ही लिख दिया टी वन। सो when time period both the rectangular pulses are different then the resultant signals convolution result will be a trapezoidal signal wave graph और अगर दोनों का time period बराबर होगा तो ये rectangular triangular pulse आएगा output convolved signal का output। okay so these are the some basic properties of the convolution and okay now अब बात करते हैं कि इसके स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक लेट माय एलटीआई सिस्टम एच ऑफ टी कौन से एलटीआई सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात कर रहा हूं तो अगर इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ टी आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ टी ए सिस्टम एच ऑफ टी एलटीआई सिस्टम इज सेड टू बी ए स्टैटिक सिस्टम ओनली स्टैटिक का मतलब क्या हो गया आउटपुट में मेरा क्या आ सकता मैक्स टू मैक्स एक कोफिशियंट मल्टीपल में हो सकता है अदरवाइज तो इनपुट ही प्रेजेंट होना चाहिए और आउटपुट मेरे को पता है रेस्पॉन्स कैसे आता है इनपुट कन्वोल्व विद रेस्पॉन्स
एलटीआई सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होता है उन दोनों का कॉन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, आउटपुट रेस्पॉन्स होता है। तो क्या ये कब हो सकता है, वाई ऑफ टी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी कब हो सकता है, अगर एच ऑफ टी इक्वल टू ए टाइम्स इंटू डेल ऑफ टी हो जाएगा, यानी कि मैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की बात कर रहा हूं, अगर ए टाइम्स ऑफ डेल ऑफ टी, और मैंने अभी बोला था कि इंपल्स सिग्नल को किसी भी अदर सिग्नल से अगर कन्वोल्व करते हैं तो जो रिजल्टेड आउट कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट आता है वो सिग्नल इटसेल्फ आ जाता है जो इनपुट सिग्नल था। तो दैट्स व्हाई व्हेन एक्स ऑफ टी कन्वोल्व विद ए टाइम्स ऑफ डेल ऑफ टी then the resultant signal will be a times of x of t and the static signal ये तभी होगा जब यहाँ पर resultant signal के output में x a times x of t आएगा। तो a signal is a system is said to be static if h of t equal to a times of del of t। तो ये एक static signal होने के लिए system को static तब बोलेंगे, system को static कब बोलेंगे अगर ये property follow कर रहा है। ये same property अपन discrete के लिए बात कर सकते हैं, h of n equal to a times of डेल ऑफ एन होना चाहिए उसके लिए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए। ओके तो अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में आएगा तो स्टैटिक प्रॉपर्टी ये होती है। वन मोर प्रॉपर्टी इज द कॉजलिटी, ए सिग्नल इज सेड टू बी कॉजल इफ ए सॉरी नॉट सिग्नल सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पर, ए सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल इफ एच ऑफ टी इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। और अगर यही बात करूं मैं एच ऑफ एन की बात करूं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की, देन ये जीरो होना चाहिए फॉर एन लेस देन जीरो के लिए। सो दिस दीज आर द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम कॉजलिटी, ए सिस्टम सिस्टम कॉजलिटी ऑफ ए सिस्टम। ओके तो ये जब ये प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट में भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ये प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट में भी प्रॉपर्टी की, ए सिस्टम जो एलटीआई सिस्टम दिया है वो स्टैटिक सिस्टम ना है, नाउ द डिफाइन दैट द रेस्पॉन्स ऑफ दैट सिस्टम विल बी, तो उसका रेस्पॉन्स क्या रहेगा ए टाइम्स ऑफ डेल ऑफ टी, अगर एच ऑफ टी मेरा जो इंपल्स रेस्पॉन्स है ए टाइम्स डेल ऑफ टी होगा तो वो दैट देन ओनली स्टैटिक सिस्टम, अगर वो डिस्क्रीट में आए तो ए टाइम्स ऑफ डेल। यही कॉजलिटी कंडीशन आ गई कि सिस्टम इज सेट टू बी कॉजल इफ एच ऑफ टी इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो और एच ऑफ एन इक्वल टू जीरो फॉर टी एन लेस देन जीरो। इनवर्टिबल सिस्टम नाउ, ओके इनवर्टिबल सिस्टम एलटीआई सिस्टम क्या होगा, एक सिस्टम को इन्वर्ट, अभी अपन ने इनवर्टिबल सिग्नल की बात कर चुके थे, अब ए सिस्टम इज सेट टू बी एलटीआई ओनली इफ, यानी कि अगर इनपुट में एक्स ऑफ टी है उसका इनवर्ट एलटीआई सिस्टम एच ऑफ टी, देन उसका आउटपुट क्या रहेगा y of t, now y of t is input of another response signal and the output of that response signal if input signal itself, यानी कि अगर मैं input signal को वापस recover कर पा रहा हूं then that system is known to be invertible system। So LTI system जो ये h of t है ये both the signals are LTIs only, okay तो ये signal कहलाएगा invertible signal। ओके एंड दिस सिग्नल इज एच आई से जो जिसको डिनोट किया है ये कहलाता है इनवर्स सिग्नल। अब ये कब पॉसिबल हो सकता है कि दोनों का जो आउटपुट अगेन है ना वो क्या आना चाहिए एक्स ऑफ टी, मैंने क्या किया कि इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वाई ऑफ टी क्या है एक्स ऑफ टी कन्वोल विद, ये जो सिंबल है कन्वोल्यूशन के लिए यूज कर रहा हूं कन्वोल विद एच ऑफ टी। नाउ दिस पार्ट ऑफ द सिग्नल is input for the inverse system, now the invert the convolution of h of it, क्योंकि inverse system का जो response है system response वो किससे denote कर रहा हूं मैं h i of t से, and the output resultant signals output should be x of t, क्योंकि तभी तो सिग्नल को कह सकते हैं इनवर्टिबल। इट मींस एक तो देखो जब भी बात करता हूं सिस्टम की तो सिस्टम इनवर्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, यानी कि x of t कन्वोल विद एच ऑफ टी कन्वोल विद एच आई ऑफ टी। सो ऐसा ना करके मैं पहले इन दोनों सिग्नल्स इन दो सिस्टम्स का कन्वोल्यूशन ले लूं, और इन दो सिस्टम का कन्वोल्यूशन लेने से जो रिजल्टेंट आएगा उसका कन्वोल्यूशन इनपुट सिग्नल के साथ करके आउटपुट रेस्पॉन्स निकाल सकता हूं, यानी कि मेरा एक्स ऑफ टी आ जाए, यानी कि मैंने x of t को कन्वोल किया इस सिस्टम रेस्पॉन्स से तो आउटपुट वही सिग्नल आना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऐसा सिग्नल होता है जो किसी भी सिग्नल से अगर उसका कन्वोल्यूशन करते हैं तो वो सेम सिग्नल जो इनपुट सिग्नल था वही रेस्पॉन्स में आउटपुट आता है, और वो सिग्नल होता है इंपल्स रेस्पॉन्स। ओके तो वन मोर बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि अगर दो सिग्नल्स को कैस्केड किया जाएगा ना तो जो रेस्पॉन्स होगा रिजल्टेंट सिग्नल, जैसे मेरे पास एक इनपुट सिग्नल दिया एक्स ऑफ टी,
कैस्केडिंग का मतलब सीरीज में एप्लीकेशन लगा दिया, एक सिग्नल का रेस्पॉन्स जिसका है एच वन टी, दूसरे सिस्टम का रेस्पॉन्स है एच टू टी, ओके, एंड आउटपुट वाई ऑफ टी। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल का जो रेस्पॉन्स है ना, मैं एच ऑफ टी से डिनोट कर सकता हूं, और एच ऑफ टी को ये रिजल्टेंट सिग्नल सिस्टम का रेस्पॉन्स रहेगा, वो क्या रहेगा, कन्वोल्यूशन ऑफ एच वन टी विद एच टू टी। So this is the system response. Now y of t can be written like that, x of t convolve with h of t. So when the two signals are cascaded or in application series application, then they will be convolved each other. Or agar yahi do signal series mein na laga kar parallel mein laga dunga, agar ye system response hai h one t, ye system response laga diya maine h two t, but both are in parallel combination. And out input signal x of t, output response is y of t. Then y of t can be written like that, x of t convolve with, जब parallel में बात आती है तो वो addition में जाते हैं, h1 t plus h2 t, और distributive property के through आ जाएगा x t convolve with h1 t plus x t convolve with h2 t, and this will be the response of the system. These two things I want to tell you before that. तो ये बात हो गई. Now that's why दोनों सिग्नल्स को मैंने क्या कर दिया, इनपुट रेस्पॉन्स जो रिजल्टेंट सिस्टम रेस्पॉन्स लिखा वो एच ऑफ टी लिख सकता हूं, यानी कि एच ऑफ टी कन्वोल्व विद एच आई ऑफ टी इज माय रिजल्टेंट सिस्टम रेस्पॉन्स। अगर ये जो सिस्टम रेस्पॉन्स आया दोनों को, इन्वर्टिबल सिस्टम और इनवर्स सिस्टम का जो कन्वोल्यूशन करने के बाद में जो रिजल्टेंट सिग्नल आया, अगर इनका इंपल्स जो सिस्टम रेस्पॉन्स वो इंपल्स रेस्पॉन्स आ जाए, तो किसी भी सिग्नल को इंपल्स रेस्पॉन्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिग्नल इटसेल्फ आता है। दैट्स व्हाई इनवर्टिबल कंडीशन एलटीआई सिस्टम इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ इट्स इनवर्स इनवर्टिबल सिस्टम रेस्पॉन्स और इनवर्स रेस्पॉन्स मल्टीप्लीकेशन कन्वोल्यूशन रिजल्ट विल बी डेल ऑफ टी। सिमिलरली वी कैन कंक्लूड इट फॉर डिस्क्रीट टाइम रेस्पॉन्स ऑल्सो, एच ऑफ एन कन्वोल्व विद इनवर्स रेस्पॉन्स एच आई ऑफ एन, देन इट कैन बी रिटन लाइक दैट डेल ऑफ एन। This is the condition for invertibility of a system, or if I am saying LTI system. Okay, so these are the basic properties of the inverse system. One more property I want to tell you, that derivative property. Okay, now derivative property क्या कहती है कि अगर मेरा जो input response मैंने क्या किया, यहां से बात करते हैं कि मैंने एलटीआई सिस्टम है मेरा, इनपुट में मेरा एक्स ऑफ टी है, आउटपुट में मेरा जो रेस्पॉन्स आया वाई ऑफ टी, एंड द वाई ऑफ टी कैन बी रिटन लाइक दैट, क्योंकि कन्वोल्यूशन जो अभी बात की थी स्टार्टिंग में, मैंने कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का क्या कहा था कि एक्स ऑफ टी कन्वोल्व विद एच ऑफ टी इज विल प्रोवाइड द रेस्पॉन्स आउटपुट। ओके, रेस्पॉन्स आएगा वाई ऑफ टी, ठीक है। अगर डेरिवेटिव ऑफ, तो डी वाई बाई डी टी, यानी डेरिवेटिव इसका लिखना है मेरे को, डेरिवेटिव किसका लिखूंगा मैं, रेस्पॉन्स का। अगर dy by dt can be written like that, x of t convolve with derivative of system response, या फिर dy dt of input signal, x of t convolve with h of t. So this is the property of derivative of response. तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी आ गई कि जब भी डेरिवेटिव, और ये प्रॉपर्टी यूजफुल कब रहेगी, ये यूजफुल तब रहेगी कि अगर या तो इनपुट सिग्नल का डेरिवेटिव या फिर रेस्पॉन्स का डेरिवेटिव है ना, अगर उसका डेरिवेटिव लिखने पर वो किसकी टर्म्स में जा रहा है, इंपल्स सिग्नल की फॉर्म में लिख पा रहा हूं। इंपल्स रेस्पॉन्स की फॉर्म में लिखने के मतलब क्या हो गया कि उसका कन्वोल्यूशन इजी हो जाएगा, क्योंकि जो जैसे इंपल्स रेस्पॉन्स आएगा तो जो सिग्नल आएगा और इंपल्स रेस्पॉन्स मल्टीप्लीकेशन में आउटपुट सिग्नल ही आता रहता है। सो इट इज मोर यूजफुल, बट ये देखो कि जरूरी नहीं कि अपन को इंपल्स रेस्पॉन्स को ही उसको डेरिवेटिव करना, अपन इनपुट सिग्नल का भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर के लिए भी ये कर सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी कैन बी रिटन एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इनपुट सिग्नल इन कन्वोल्व विद सिस्टम रेस्पॉन्स एलटीआई सिस्टम रेस्पॉन्स दैट इज एच ऑफ टी। और ये भी हो सकता है कि एक्स ऑफ टी सेकंड डेरिवेटिव इसका निकाल सकता हूं, या फिर दोनों का सिंगल सिंगल डेरिवेटिव प्रोडक्ट करके भी सोल्व कर सकता हूं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डेरिवेटिव। वन मोर प्रॉपर्टी आई वांट टू टेल यू दैट, अगर मैं जैसे यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ है, अगर मेरा इनपुट सिग्नल इज यू ऑफ टी एंड द सिस्टम रेस्पॉन्स इटसेल्फ आल्सो ए यू ऑफ टी, देन द आउटपुट रेस्पॉन्स विल बी ए रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्टली, क्योंकि
अगर इसका जो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टो यानी कि यू ऑफ टो इंटू यू ऑफ टी माइनस टो इंटू डी टो सेकेंड यू ऑफ टो किसके लिए आया है एच ऑफ टी के लिए। नाउ देखो यूनिट इंपल्स यूनिट स्टेप फंक्शन की अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है टाउ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए तो वन रहेगा और बाकी के लिए जीरो हो जाएगा तो ये किसके लिए जीरो हो जाएगा लेस देन जीरो के लिए। लेकिन यहाँ पर टी माइनस टाउ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी कि टाउ माइनस टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो यानी कि टाउ इज लेस देन इक्वल टू टी। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक बात कर रहा है जीरो से एक बात कर रहा है जीरो से छोटे के लिए और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा वन इंटू डी ऑफ टो। तो जो जीरो टू टी को अगर इंटीग्रेट करूंगा मैं वन डी ऑफ टो तो जो ये आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा आर ऑफ टी रैंप सिग्नल की फॉर्म में आएगा। सिमिलरली अगर लेट कि मैंने ऐसा किया कि इनपुट सिग्नल तो एक्स ऑफ टी है लेकिन जो मेरा रेस्पॉन्स है एलटीआई सिस्टम का LTI system response is in terms of unit step signal, then the output of the signal will be a integration minus infinity to t x of tau d tau. तो अगर मेरा जो LTI system response is u of t, then it will work as a integrator. तो ये जो सिग्नल सिस्टम रेस्पॉन्स कैसे वर्क कर रहा है इंटीग्रेटर क्योंकि जो इनपुट सिग्नल आया था उसका जो रेस्पॉन्स आया वो इसका इंटीग्रेशन आउटपुट में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए इंटीग्रेटर वर्क करता है। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द LTI सिस्टम। और ये हमेशा सिग्नल की बात ये होती है कि वो प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने की कोशिश करता है मे बी इन प्रॉपर्टीज को वो यूज करेगा ठीक है लेकिन एक लेंथी प्रोसेस में नहीं जाएंगे अपन क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी जब 2K17 के पेपर को देखता हूं तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया ठीक है सिग्नल और सिस्टम के लिए सिग्नल एंड सिस्टम से। फिर भी मैंने बेसिक बेसिक फंडामेंटल डिस्कस कर लिए हैं लेकिन अब बात करते हैं ये LTI सिस्टम की बात हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक इज सैंपलिंग थ्योरम। ओके तो सैंपलिंग थ्योरम में क्या बात करते हैं कि सैंपलिंग थ्योरम डन क्यों की जाती है ये इसलिए की जाती है कि मेरे को एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को अगर डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है ना तो अपन यूनिफॉर्म सैंपलिंग करते हैं ठीक है। तो सैंपलिंग इज डन टू कन्वर्ट द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। वन मोर थिंग इज दैट द सैंपलिंग जो फ्रीक्वेंसी आती है जिसके रेस्पेक्ट में सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एस से लिखी जाती है तो एफ ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM और 2 FM होती है नेक्वेस्ट रेट NR है नेक्वेस्ट रेट तो नेक्वेस्ट रेट कितनी हो जाएगी 2 FM। तो सैंपलिंग थ्योरम की एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से हो जाता है कि मिनिमम जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एस मिनिमम अगर बात करूं तो वो कितनी हो सकती है 2 FM यानी कि इक्वल टू नेक्वेस्ट रेट। ये ऐसा क्यों इससे बिलो अगर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ये क्या होती है मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है FM ओके 2 times अगर मेरी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेट लेस देन 2 FM हो जाएगी ना तो इंटरफेरेंस हो जाएगा जैसे कोई भी सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है या लेकिन अगर मेरी एफएस लेस देन 2 FM रहेगी ना तो ये कंडीशन आ जाएगी ये इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाएगी तो ये कहलाती है एलियाजिंग। ओके तो टू अवॉइड इंटरफेरेंस की मतलब क्या होगा कि मेरा सिग्नल है ना अब यहां से आउटपुट रेस्पॉन्स यहां से यहां तक आएगा फिर यहां से ये वाला जो नीचे का जो पोर्शन है ना ये सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। ओके तो जो सिग्नल लॉस्ट हुआ उसको जो इंटरफेरेंस है उसको बोलते हैं एलियाजिंग। तो टू अवॉइड एलियाजिंग वी आर गोइंग टू यूज दैट एफएस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM। एक और कंडीशन आती है कि अपन ये तो इक्वलिटी भी क्रिटिकल कंडीशन होती है ये आइडियल कंडीशन की बात करता हूं जैसे मेरे कोई रेक्टेंगुलर पल्स था इसका इनपुट सिग्नल जिसको प्रोपोगेट किया आउटपुट किया है दूसरी रेक्टेंगुलर पल्स लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये इस शार्प वो होता है स्टेप अब्रप्ट जंक्शन थोड़ा ना होता है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली क्या होता है ये थोड़ा सा स्लोपी होता है सिमिलरली यहाँ से स्लोपी फिर से ये अलियाजिंग आ गई। तो यहाँ पर क्या किया जाता है अपन ने जैसे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बताया होगा मैंने गार्ड बैंड यूज किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली एफएस शुड बी ग्रेटर देन 2 FM होता है लेकिन एक क्रिटिकल कंडीशन लेकर चलते हैं अपन की हाँ यार आइडियली ऐसा हो सकता है कि इक्वलिटी में भी अपन सर्वाइव कर जाएंगे इंटरफेरेंस को अलियाजिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम क्यों की जाती है ये मैं बहुत ही ब्रीफ व्यू में देना चाह रहा हूँ क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने गए तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है अपन टाइम देंगे कम्युनिकेशन को ज्यादा नेटवर्क को जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करते हैं
एक ठीक है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स अगर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन पाएंगे प्रीवियस ईयर के मैं कलेक्ट करता हूं और उन पर एक वीडियो सिग्नल सिस्टम के लिए आ जाएगा, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। ओके थैंक यू गाइज, दिस इज रिगार्डिंग द सिग्नल सिस्टम।